हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन करते हैं चैप्टर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, 11 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कहा जा रहा है कि ए टीवी टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टॉवर। तो बच्चों, ये आपने मान लिया कि आपका कैनल है बीसी। आपने कहा लेट बीसीबी एक्स मीटर वाइड कैनल, और आपसे कह रहा है उसके बाद, नहीं 20 मीटर नहीं, लेट एक्स मीटर। फिर कह रहा है कि ये टॉवर है, इस बी से 20 मीटर 20 मीटर आगे जाने पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, और उस पॉइंट से अगर आप टावर जो है, ये टॉवर है ए, भाई किताब में इसको बी लिया गया है तो इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको डी लिया गया है इस पॉइंट पर, कहते हैं डी से टॉवर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है मुझको 30 डिग्री है, और जो है सी से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। मुझसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है भाई, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। आपको हाइट ऑफ टॉवर भी निकालनी है। आपने कहा जी लेट हाइट ऑफ टॉवर भी एच मीटर। आपका एच भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है। अब आप एक बात देखेंगे कि यहाँ पे आप ये देखेंगे कि आपके पास ट्रायंगल कितने हैं, ठीक है, कैनन एंड एबीबी एच मीटर हाई टॉवर। तो बेटा आपके पास, अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल दो हैं। एक तो आपके पास है ट्रायंगल एडीबी, और एक ट्रायंगल आपके पास एसी, एसी दोनों ट्रायंगल आपके पास, और आप देखेंगे दोनों में एच कॉमन है, तो आप एच की वैल्यू निकालेंगे दोनों ट्रायंगल से। तो देखो इसके अंदर आपने क्या करा, यू अप्लाई एडीबी में 10 30, 10 30 लगाने से यू आर गेटिंग एच अपॉन में बीडी। बोले तो 10 30 के वैल्यू 1/√3, एच अपॉन में बीडी का वैल्यू 20 + x। तो यहां पर आपके पास आएगा एच बराबर 20 + x/√3 मीटर। दिस इज ऑल अबाउट एच। तो भैया ये एच आ गया। अगर ट्रायंगल एसीबी की बात कर रहे हो तो यहां पर आप 10 60 लगाओगे, इसमें 10 60 के अंदर ये एच अपॉन में बीसी, बीसी बोले तो एक्स है, ठीक है भैया, √3 एच अपॉन में एक्स, एच इज इक्वल टू √3 x। ये क्वेश्चन टू है। दोनों इक्वेशन से आपके पास, दोनों ट्रायंगल से यू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ एच। अब आप करने क्या वाले हैं, आप एच की वैल्यू को क्या करेंगे, एच की वैल्यूज को आप, हाँ भाई, यहाँ से कंपेयर किए और फ्रॉम 1 एंड 2, दिस इज योर 1, तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू विल हैव 20 x अपॉन √3 बराबर √3 x। 20 x + x = 3 x, 20 = 3 x - x, 20 = 2 x, x = 10। तो बेटा x की वैल्यू 10 आ गई। जब x की वैल्यू 10 आई है तो देयर फोर एच बराबर होगा √3 × 10, तो जाएगा 10√3, ठीक है बेटा, 10√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हुआ 11, ठीक है। 12 आप देख लोगे, 13 देखो अभी आप। 13 में कह रहा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। आपके पास 75 मीटर जो है ऊंचा एक लाइट हाउस है, ये आपका 75 मीटर है, और उसने कहा है दो शिप हैं और दोनों सेम साइड पर हैं। ऐसा नहीं है कि एक शिप इधर है एक शिप इधर है,
यहां पे एक शिप ये रहा, और यहां पे यहां से इसको देखा 2 मिनट लाइक दिस। यहां पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन की मुझसे बात कर रहा है और मुझसे कहा गया एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 70 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 और 45। भैया यहां पे तो कम खुल रहा है और यहां पे ज्यादा खुलेगा, अब देखो तो पक्की बात है ये वाला 30 होगा और ये वाला 45, और अगर ये वाला 30 है तो ये वाला 30 होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला 45 है तो ये 45 होगा। इसको आपने ए भी ले लिया, इसको आपने सी ले लिया, इसको डी ले लिया, आपने लिख भी दिया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, आपको सीडी निकालना है, सीडी आपको निकालना है, ठीक है, सीडी इज ठीक ना, हमें सीडी को फाइंड आउट करना। अब एक बात, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो लेट ए बी बी 75 मीटर हाई टावर, लाइट हाउस नॉट टावर, ठीक है भैया। सी एंड डी आर द पोजिशंस ऑफ टू गिवन शिप्स, आपको दे रखा है एंगल ए सी बी 30 है और एंगल ए डी बी 45 है, बहुत बढ़िया। आपको दोनों के बीच की हाइट निकालनी है और आपको अब ये देखना है कि ट्रायंगल कौन कौन से है। भाई एक ट्रायंगल है आपका, यहाँ पर आपके पास इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी के अंदर अगर बाय द वे आपने लगाया 10 45 तो आपके पास आ रहा है ए बी अपॉन में बी डी, 10 45 75 अपॉन में बी डी, इसकी वैल्यू 1 75 अपॉन में बी डी, तो बी डी 75। उसके बाद हमने कहा आल्सो, अब दूसरे ट्रायंगल की बात करोगे, आल्सो इन ट्रायंगल ए सी बी 10 30 बराबर 75, मतलब यहाँ पे ए डी आएगा आपका और यहाँ पे बी सी 1/√3 75। बी सी की जगह आप लिख सकते हो सी डी प्लस के बी डी 1/√3 75, सी डी आपको निकालना है, बी डी आपका 75, ये पूरा इधर गया, सी डी प्लस 75 बराबर 75√3 और सी डी इक्वल टू 75√3 माइनस 75, 75 कॉमन ले लिया, √3 माइनस के बाद दैट इज आंसर। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखा आपने। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई आपके पास कुछ इस टाइप का है, हाँ जी। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है कि एक जो है 1.2 मीटर टॉल लड़की है और ये एक लड़की है, शी इज अ गर्ल, आपने कुछ भी नाम दे दिया इसको ए बी, और ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ए बी इज 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, और जो है यहां पर यहां पे 88.2, यहां पे 82
यहाँ पर एक बैलून है, बल्कि बैलून तो यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर था भाई, पहले शुरू में बैलून यहाँ से यहाँ था, ये बैलून था आपका, यू कैन सी, और बैलून जो है हवा के साथ आगे जा रहा है, ठीक है भाई, बैलून हवा के साथ चलते चलते आगे पहुँच रहा है, ये यहाँ पर पहुँच गया। लड़की जब बैलून पहले देख रही है, लड़की को, लड़की अब फिक्स है, बैलून उड़ रहा है तो देख रही है एंगल जो बन रहा है वो 60 का बन रहा है, लेकिन जब बैलून वहाँ पहुँच गया है तो एंगल जो है 30 की रह गया, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन के अंदर। और मुझसे एक पूछा गया है कि भाई बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इट इज़ आस्क्ड टू मी। पहली बात तो ये यार, ए बी जो है 1.2 मीटर टॉल लड़की है, और आप कह सकते हो कि पी और क्यू आर द पोजिशंस ऑफ द बैलून, ये बैलून की पोजीशन है, ठीक है जी, इसमें कोई डाउट नहीं है बाबा, ठीक है भाई। इसके बाद मुझसे कहा गया है, हाँ जी, कि भाई अगर ये 88.2 है तो ये वाली जो साइड है इतनी, ये 87 रह जाएगी, ठीक है, ए बी, ये ए बी लिया, मैंने इस पॉइंट को सी कह दिया, इस पॉइंट को डी कह दिया, इस पॉइंट को मैं कहना चाहूँ तो ई कह सकता हूँ, इसको एफ कह दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भैया। यहाँ पर ये भी मेरा 87 हो गया। अगर आप यहाँ पे दो ट्रायंगल यूज करो, जैसे मैंने ट्रायंगल लिया एन ट्रायंगल पीएसी, और आई एम अप्लाइंग 1060 बराबर पीसी अपॉन में एसी, रूट थ्री पीसी की वैल्यू 87 अपॉन में एसी, तो बच्चों एसी की वैल्यू आ गई 87 अपॉन में रूट थ्री, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही अब आपने एक काम किया, आपने ट्रायंगल लिया एन ट्रायंगल क्यू ए डी 1030 बराबर 87 अपॉन में ए डी, वेरी गुड, यहाँ से भैया 1 अपॉन में रूट थ्री और 87 अपॉन में ए डी, ए डी इज इक्वल टू 87 रूट थ्री, यार बहुत दिन हो गए, यहाँ पर रूट थ्री से रूट थ्री किया, मल्टी रेशनलाइज की दिया 87 अपॉन थ्री रूट थ्री 29, तो बेटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू 87 रूट थ्री माइनस 29 रूट थ्री, रूट थ्री 17 में से 9 गया तो 8, ठीक है जी, और यहाँ पर 7 में से 2 गए तो 5, 58 रूट थ्री कुछ मीटर, इतना आंसर आएगा कि बैलून कवर डिस्टेंस 58.58 रूट थ्री। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन, और 15 तो देखते हैं, दोनों ही बड़े आसान क्वेश्चन, 15 भी और 16 भी। 16 को अगर हम देखें तो 16 में कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर है, फ्रॉम टू पॉइंट्स टेकन, टू पॉइंट्स एंड डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, मतलब एक पॉइंट जो है 4 मीटर पर है, और जो एक पॉइंट है वो 9 मीटर पर, शायद कुछ इस टाइप का है। आगे बोल रहे हैं, अगर यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जैसे 40-50, 20-70, 10-80, ठीक है ना, 25-65, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर द पेयर ऑफ सच एंगल हु सम इज 90 डिग्री, सो एग्जैक्टली इफ फर्स्ट वन इज थीटा देन इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी 90 माइनस थीटा, ओके ही इज, हाँ भाई, asking me about height of tower, और मुझसे कहा है प्रूव कर दो कि height of tower इतना है,
मैं कहा बड़ा आसान है, यहाँ पे आपने इसको P कह दिया, तो अगर मैंने इंट्रेंगल पी क्यू भी ले लिया तो यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन में फोर आता है, इक्वेशन वन। अगर मैंने इंट्रेंगल पी सी क्यू ले लिया तो आई एम गेटिंग टेन नाइन्टी माइनस थीटा बराबर एच अपॉन में नाइन, तो बेटा ये कॉट थीटा हो गया एच अपॉन में नाइन, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टेन थीटा एच अपॉन में नाइन। इसको आपने क्वेश्चन टू दे दिया, आपने कहा मैं तो वन और टू को मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने कहा करो, तो आपके पास आ रहा टेन लेफ्ट में वन अपॉन टेन बराबर एच अपॉन में फोर एच अपॉन में नाइन, पेंसिल टेन कट गया, वन बराबर एच स्क्वायर थर्टी सिक्स, एच स्क्वायर बराबर थर्टी सिक्स, एच बराबर सिक्स, डन मीटर। ओके बेटा इसके बाद एक बार पंद्रहवा क्वेश्चन और देख लें, चैप्टर खत्म हो जाएगा। पंद्रहवें में कह रहा है कि एक टॉवर है, हाईवे जो कि एक टॉवर को ज्वाइन करता है, अप्रोच कर रहा है एक टॉवर को, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, यहाँ पे कोई कार है, चलती हुई कार है, ये उसे देख रहा है चलती हुई कार को, इसने देखा कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था तो 30 आ गया, फिर इसने कहा 6 सेकंड के बाद, अब इसकी पोजीशन ये थी 6 सेकंड के बाद जो उसकी पोजीशन है कुछ भी हो लेकिन उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना बनता है यहाँ पे 60 बनता है, दैट्स व्हाई दिस विल बी 60। वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जब टाइम लगेगा वो बता दो। पहली बात तो ये कि मैंने मान लिया लेट स्पीड ऑफ कार बी एक्स मीटर पर सेकेंड, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगा वैसे 6 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 6 मिनट 6x मिनट, ठीक है, ये मुझे कुछ पता नहीं h, कोई बात नहीं h नहीं पता, तो अगर मैं ट्रायंगल लगा दूँ इन ट्रायंगल ए पी बी तो यहाँ पर 10 30 बराबर h अपॉन में 6x प्लस बी क्यू, ठीक है भैया, 1/√3 h 6x प्लस बी क्यू, तो भैया मेरे पास आ जाएगा इसको इधर ले गया तो मेरे पास आ गया 6x प्लस बी क्यू अपॉन में √3 बराबर h, इक्वेशन बन। उसके बाद हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए क्यू बी, यहाँ पर 10 60 बराबर एच अपॉन में बी क्यू, √3 एच बी क्यू की वैल्यू नहीं पता लिख दीजिए, एच इज इक्वल टू बी क्यू √3, ये 2 है ये 1 है, फ्रॉम 1 and 2 आई कंपेयर आई एम गेटिंग 6x प्लस बी क्यू √3, और भैया ये बी क्यू √3 है, √3 इधर जाएंगे तो ये भैया प्लस बी क्यू, ये 3 बी क्यू, और ये हो जाएगा 6x बराबर 2 बी क्यू, और बी क्यू इज इक्वल टू 3x, ये वाली जो लेंथ है आपकी 3x आ गई। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम चाहिए तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस 3x है, ये x है, x कट गया 3 सेकेंड, आंसर डन। विद दिस एक्सरसाइज फिनिश्ड, मिलेंगे कल फिर आपसे अगली क्लास में, ठीक है।